आज हम बनाएंगे मार्केट स्टाइल तवा चाप मसाला। इसको आप घर में बड़े आसानी से बहुत कम इंग्रेडिएंट में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने फ्रोजन चाप लिया है। चाप में सबसे पहले आपने उबलता हुआ पानी डालना है, क्योंकि फ्रोजन खाने में एक स्मेल होती है, गर्म पानी डालने से उसकी स्मेल निकल जाएगी। पानी में आपने डालना है थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, और इसको 5 मिनट के लिए रख देना है। 5 मिनट के बाद इसको ठंडे पानी से धो लें और इसमें से सारी स्टिक निकाल दें, और उसके बाद आपने इसको ऐसे लंबा लंबा काट लेना है। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। चाप को हमेशा फ्राई करके बनाया जाता है, नहीं तो उसमें कच्चा सा टेस्ट आता है। चाप को आपने हमेशा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक बार आप फ्लेम हाई रखें, जैसे ही कढ़ाई में से धुआं निकलने लगे उसके बाद फ्लेम स्लो कर दें, और उसको 4 से 5 मिनट लग जाते हैं फ्राई होने में। इसको फ्राई करने से इसकी लेयर भी खुल जाती है, जिससे इसके अंदर तक फ्लेवर जाता है। अगर आपको इसको बाद में बनाना हो तो आप इसको एक दिन पहले फ्राई करके फ्रीज में रख सकते हैं। इसको फ्राई होते होते 4-5 मिनट हो चुके हैं, इसका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। आपको भी इसी कलर आने तक पकाना है इसे। अब आपने फ्राइड चाप को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इसको आपने छोटे छोटे पीसेस में ही काटना है, तभी इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। बाकी की चाप भी आप इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लें। अब इसको आप एक बड़े बाउल में निकाल लें। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए हमने लेना है थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, मैंने यहाँ देगी मिर्चों का यूज किया है, आप कोई भी मिर्च यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो ना डालें, और थोड़ा सा चाहिए धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास इसमें से कोई मसाला ना हो तो उसको स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम डालेंगे इसमें 3 बड़े चम्मच दही के। दही को मैंने पहले फैट लिया था, और दही आपको थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, तभी ये मैरिनेशन चाप को अच्छे से कोट करेगा और चाप के अंदर तक फ्लेवर जाएगा। और अब आप इसको अच्छे से मिक्स करके 20 मिनट के लिए साइड में रख दो। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए लिए मैंने 2 बड़े टमाटर और 2 मीडियम साइज के प्याज। इसको आपने मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अगर आपके पास मिक्सी ना हो तो आप प्याज को बारीक बारीक काट लें और टमाटर को कद्दूकस कर लें। वैसे तो इसको बड़े तवे पे बनाया जाता है, लेकिन घरों में हमारे पास बड़े तवे नहीं होते, इसलिए आज हम इसको फ्राई पैन में बनाएंगे। इसको बनाने के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल के डाले हैं, और अब आपने इसको हीट करना है। जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, और उसके साथ आपने तेज पत्ता भी डालना है, मैं यहाँ पे डालना भूल गया था। और यहाँ पे डालना है आपने पिसा हुआ प्याज। अगर आपके पास मिक्सी ना हो तो आप इसको बारीक बारीक काट भी सकते हैं। प्याज को आपने लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज के ऊपर ही हम डाल देंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें 70% गार्लिक है और 30% जिंजर। अब इसको आप लाइट ब्राउन होने तक भूनें। अगर आपको मैरिनेट की हुई चाप को ज़्यादा देर तक रखना हो तो उसको फ्रिज में रख दें, नहीं तो वो खट्टी हो जाएगी। प्याज हमारे यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और यहीं पे हम डालेंगे पिसे हुआ टमाटर। यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं पिसे हुए, आप इसमें हाइब्रिड टमाटर ही यूज करें। अब आपने प्याज और टमाटर को अच्छे से ऑयल रिलीज होने तक पकाना है। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपने मसाले। मसालों में डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और आपने मसालों को भी अच्छे से पका लेना है। जितना ही मसालों को पकाया जाता है उतना ही उसमें से अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे आपने इसको स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, और अब इसमें डाल देना थोड़ा सा पानी। पानी डालने से मसाले अच्छी तरह पक जाते हैं। अब आप यहाँ पे डाल दें मैरिनेट की हुई चाप। अब चाप को भी आपने 5-6 मिनट तक बिना पानी डाले इसमें पका लेना, क्योंकि हमने चाप में दही डाली थी और उसमें मसाले डाले थे, वो भी अच्छी तरह पक जाएंगे। चाप को यहाँ पे मसाले में पकते पकते 5-6 मिनट हो चुके हैं, अब ये अच्छी तरह पक चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसकी ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग पतली या गाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन इसमें गाढ़ी ग्रेवी ही अच्छी लगती है। अब लास्ट में आपने डालना थोड़ा सा गर्म मसाला, और अब इसके ऊपर डालना थोड़ा सा बटर। अगर आपके पास व्हाइट मक्खन हो तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो आप कोई भी मक्खन डाल दें, व्हाइट मक्खन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक
करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।